मुझे ऐसा लगता है कि ये बाघ का कौन हो सकती है, पूछना चाहिए। आप बाघ का मालिन है? हाँ, इस बाग के मैं मालिन हूँ, क्योंकि ये फूल माला ली हुई है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बाग का मालिन है। हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना भाई और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम। मेरे चैनल में या मेरे प्रोग्राम पार्टी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हर दिन वीडियो तो आ ही रहा है, लेकिन अब हर दिन दो वीडियो आएगा, कुछ ना कुछ स्टेज पर प्रोग्राम, या तो निर्गुण भजन या तो चित्रहार रंगोली आप लोगों को मनोरंजन के लिए। कहानी तो पर डे अपलोड होगा ही होगा सुबह में, और नए नए कहानी जो अभी शांति नाग चंपा का कमेंट आ रहा भाग विधाता, ये भी कहानी अपलोड हो गया है, ये भी मैं कुछ दिन में करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए लगातार वीडियो होते रहता है अपलोड, उधर आप लोग देखते रहेंगे। और एक बड़ी खुशखबरी ये है कि कोई बोल रहे थे नाच पार्टी वाले कि भाई मुन्ना भाई को फोन करते हैं तो आते नहीं है, बट छुट्टी में नहीं रहता हूँ इसीलिए नहीं आता हूँ। एक बार अगर किसी को या कोई भी नाच प्रोग्राम पार्टी मालिक का अगर अपना पार्टी का प्रोग्राम वीडियो करवाना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है जो वीडियो रिकॉर्डिंग में यह है कि नंबर पर कॉल करें और कब प्रोग्राम है आप हमें बुलाएं, ठीक है। और एकदम नेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, आपका रिकॉर्डिंग मैं करके मैं अपने चैनल पर चढ़ाऊंगा, आप लोग को भी मैं वायरल करूंगा, आप लोग भी सट्टा करेंगे, आप लोग भी नाच प्रोग्राम पार्टी करते रहेंगे, ठीक है। कोई भी अगर नाच प्रोग्राम पार्टी का वीडियो करवाना चाहते हैं तो हमें बुलाएं, कॉल करें, मैं खुद आऊंगा, खुद वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, आप लोग देख रहे थे काबुलगढ़ का घोड़ा भाग 5, अब देखेंगे भाग 6। जय हिंद, वंदे मातरम। के मालिन है, ठीक है, बताइए सुनो। आज मोहवा में आज हमारो मटनवा पारो आवा आज मोहवा में आज पिताजी के नामा स्वर्गीय दशराजा कहलाए आज पिताजी के नामा स्वर्गीय दशराजा कहलाए जी भैया जी के नाम मेरा मकान राजमहबा पड़ता है, पिताजी के नाम स्वर्गीय दश राजा कहते हैं, माँ के नाम रानी दिबला है, बड़े भैया के नाम अल्हा सरदार है, मेरा नाम रुदल है। लेकिन ते बताओ कि ते कहाँ के रहने वाली हो, एक कौन ऐसा राजा के ते में मालिन हो जो मैं जानना चाहता हूँ। क्या राजा, लेकिन सुनो राजा, ए मैं क्या देख रही हूँ, रानी सोना नैनागढ़ के रहने वाली हो, मैं भी नैनागढ़ के रहने वाली हूँ, मेरा सहेली है पक्का, मैं इससे पूछता हूँ कि इनको भाभी जो भी क्या नाम है, पता नहीं। अच्छा राजा, क्या बताओ, ठीक है आपको राज मोहब्बा में मकान पड़ता है, आपको भैया जी का नाम है नूनू अल्लाह सरदार, हाँ? आपको बगरुदल नाम है, हाँ? आपको भाभी को क्या नाम है? मेरा भाभी जी के नाम ए रानी सोना कहते हैं। क्या रानी सोना? हाँ हाँ, अब सोना के देवर हैं? मैं वही भाभी सोना के, मैंने छोट दुलारुआ देवर हूँ। झूठ ना बोल रहे हैं? अरे झूठ किस लिए बोलूंगा, झूठ बोला जाता है वहाँ कि मरा हुआ जा रहा है जहाँ।
रानी सोना को देवर है। हाँ रानीलाल छोटा दुलार प्यार में रहता हूँ, अरे ये छोटी सा उनको गोद में जाके बैठ जाता हूँ, भाभी जी के कभी हमारा चुम्मा ले लेते हैं, वो देवर भुजाई के बात जो है। लेकिन सुनिए राजन, राजन तनी सुनला बाता जी हमार, अब बचपन के सहेलिया राजन जी रहलन रानी सुनार। क्या ऐसी बात है, अब बचपन के सहेलिया राजन जी रहलन रानी सुनार, आज से करा के हाल राजन देली बात तलाई, आज से करा के हाल राजन देली बात तलाई, आज बचपन के रहलन जी। खेलती थी दोनों मिलके, उनको शादी हो गया राज मोहब्बा, मेरा हो गया नरबल गढ़ने, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आपका भी नहरा नगर हुआ? हाँ, अरे तो हम लोग तो हमारे भाभी के भी नहरा नैना गढ़ है। हाँ हाँ, उनका भाई का नाम है जोगा भोगा। हाँ जोगा भोगा नाम है, हम लोग सब जानते हैं क्योंकि हमारे साले साहब हैं। अच्छा जोगा भोगा, लेकिन सुनिए सुनाइए राजन तनी सुनला आज बात दाजी हमार, जैसन देवर नहला देवर जी आबा भी सुना के। अच्छा अच्छा अच्छा, आप रानी सोना का हैं और सही देवर हमारा भी है, तो ये तो हम लोग का साली लग गया भाई देवा, ये तो आप बना हुआ सुतार हम लोग के हो गया। देखो देवर जी, आप कहीं नहीं मिलते थे, आप मिल गए हैं, आप रही, आप रहने का टेंशन कोई दिक्कत नहीं है, कोई रहने का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं जान गया, दिन रह जाइए, आप चार दिन पाँच दिन छह दिन सात दिन आठ दिन जितना दिन आना उतना दिन रहिए, जितना दिन पे मिले लेकिन जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे अभी छोड़ देती हूँ मैं, अब चले जाएंगे तो अगर जाकर रानी सोना से कहेंगे कि तुम्हारा बहन मिली थी गांव घर के सहेली तुम्हारा, तो हमको बहुत ताना मारेंगे। हाँ, तो कहवे करेंगे, नहीं तो आप जितना दिन मर्जी उतना रहिए, आप जाना नहीं, टेंशन नहीं करना है भाई। उदल
भाभी के सहेली तो भाभी ना हुई, तो भाभी बड़ी हो गई, ये मंझली हो गई। अरे तो भाभी जी अभी डांट दिए तो हम लोग हदी आ गए थे, अब तो रिश्ता हो गया ना, कोई भाभी देवर के है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाभी के घर ऐसे रहना अच्छा बात होता है, देवर के स्वागत करेगी, खिलाएगी पियाएगी, है ना। क्या देवर जी ठीक है, मैं इसी बगीचा में रहूंगा और आप जाके नहीं ना कहिएगा। अभी तो ऐसे डरा दिए, क्या पैसा बात बोल रहे हैं, अभी तो डरा ही दिए थे हमको, हमको डर से तो पूरा दम दहे सहार रहा था। डरने की बात नहीं है, लेकिन सुनिए देवर जी, क्या मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ फूल पहुँचाने के लिए। क्या फूल? हाँ, क्या कहाँ जा रहे हैं फूल पहुँचाने के लिए? मैं जा रहा हूँ नरबलगढ़ में। नरबलगढ़ में? हाँ। किसके पास जा रहे हैं भाभी जी? फूला रानी के पास मैं जाती हूँ फूल पहुँचाने के लिए। क्या? ए फूला रानी के पास? ए ए फूल वो क्या करती है? वो हमारे फूल से तीसम दिन तुलाते हैं। मैं फूल अगर नहीं पहुँचाने जाऊंगी तो मैं इस राज में नहीं रहने देंगे हमको। क्या ऐसा बात है? हाँ ठीक है, जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। यहाँ पे रहने के लिए कोई टेंशन नहीं, आप रहिए, मस्ती से रहिए, हम सब चीज व्यवस्था करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं जल्द लौट आऊंगी। ठीक है, जाइए। लेकिन ये बार बार आके ये हमसे दर्शन देते रहिएगा। ठीक है देवर जी, ठीक है, आप टेंशन बोले, लेकिन टेंशन करने की बातें नहीं है इसमें, मैं जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, आराम करो, आपका टेंशन के बात है। ए मलिनिया, भाभी मिल गई है ना, जब हमारो को भाभी सोना को सहेली तो भाभी हुई है ना, तो मलिन भाभी मिल गई तो टेंशन किस बात का? भाभी देवा, भाभी भाभी तो कह रहे हैं हम लोग। हाँ, लेकिन सुनो भाई देवा, लेकिन रानी फूलवा के सुरतिया देवा देखो हम जाए, लेकिन रानी जब फूल के सुरतिया देवा देखो हम जाए, अहो हाल बता देनी जानती हो। ओ ए मालिन भी कह रही है कि रोज नित्य दिन ए फूल से रानी तुलाती है, और एक कैसा उसको सूरत है रानी फूला के जो मैं देखूंगा भाई देवा। सुनो भाई उधर, जोरिया सुनाला हो मोहबिया के जवान। क्या भाई देवा? लेकिन कमा माले बनाता ही जोरिया, आहो भाभी मालिन से, आहो तो हर लड़का मामा बना तो भाभी मालिन से ले आज, आए हु जाब का मामा बनाई थल। आहो ए हु जाब का मामा बनाई थल, नरवल कल
साहिबा तुम्हें काम बनाएगी, तुम्हारा मंजिल है यही मालिन भाभी, जो भी काम बनाएगी तुम्हारे भाभी, क्योंकि ये नितिन कहती है कि फूल पहुंचाने के लिए नर्मदागढ़ जाती हूँ और हमारे फूल से ईरानी फूला नितिन तौलाती है, तुम्हारे काम यही बनाएगी। ओहो भाई देवा, ये तो सहज उपाय है के मालिन के, इसको बुद्धि से मैंने आओ रानी फूला से मैंने भेंट करूंगा। हाँ भाई उधर, लेकिन ए मालिन तो चला गया, ठीक है बैठ कर विश्राम किया जाए। ठीक है बैठो, रोज तो मालिन आइबे करता है बाग में फूल तोड़ने के लिए। हाँ उसको आने दो, अभी मैं कहूंगा कि रानी फूला के हम मुंह देखूंगा, चेहरा देखूंगा, एक कैसा उसको सूरत है जो मैंने देखूंगा। भाई देवा बैठो इसी जगह। तो मालिन राजा छोड़कर हम लोग को नहीं होगी, इसीलिए हम लोग का बहाना करना होगा। भाई देवा ते उपाय बताओ, क्या उपाय करना है, क्या बहाना करना है, कितनों उपाय करना हो बहादुर करो, लेकिन बेन रानी फूला के सूरत देख ले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भाई उदय इसमें इतना पैसा खर्च हो चुका तो 1-2 हजार का क्या गिनती है, इसलिए हम लोग कहना होगा दोनों भाई मिलकर कि हमारा घोड़ा का दाना ओरिया गया है, तुम जाकर दुकान से दाना लेकर आओ हमारे घोड़ा के लिए, तब तक हम लोग बाग में ठहरते हैं और मालिन दिन अपने समय से आती है और समय से फूल तोड़कर चला जाती है, तो क्यों नहीं उसको उसी समय पर हम लोग धरा देंगे पैसा कि दाना लेकर आओ, और उसके बाद हम लोग फूल तोड़कर तुम उसको माला गूथ कर अपने हाथ से तुम दे दो, ताकि मालिन को नितिन फूल तोड़ ले जाती है, माला नहीं बनाती है, ओ मालिन ले जाएगी फूल रानी फूला के पास तो पूछेगी कि माला कौन बनाई है, तो जरूर अपने बताएगी। भाई देवा कुछ जरूर बताएगी, कहता है यही उपाय होगा। ठीक है यही उपाय करना है, मालिन को आने दो, आने दो। क्या देवर जी, क्या भाभी जी, हो गया भोजन वोजन कर लिए? हाँ कर ही लिए है। चलिए ठीक है, मैं कुछ फूल तोड़ कर मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया, फिर मैं तुरंत अभी निकलूंगी। भाभी जी क्या बात है, बैठिए बैठिए बोलिए, आपसे काम है। क्या बात है बोलिए। काम है जो कहा सुनाता हूँ, कह के सुनाइए। उधर यही मौका है, मौका पर चौका मार दो। भाभी जी सुनिए बोलिए, अब मेरा देवर मार रहे हैं ना, मैं भी आपको भाभी मान गया हूँ, क्योंकि भाभी की आप सहेली है। सुनिए बोलिए। आज दाना चबा कामा गेलो भाभी, हमार रासा गुंदुला के भाभी जी। क्या देवर जी, आज भाभी सुनाला हमारा दिलावा के जी बात, आज दाना पानी का मगे लो भाभी, हमारा रासा बिंदुला के आर जाई के दुकानिया भाभी, दाना वाला दाजी हम आज जाई के दुकानिया भाभी जी, दाना वाला दा बिंदुला के हम आज ये तने सवाली आज रहलो हमारा। आज जाई के दो कनवा से लादा हमारा
रास बिनुल के हमारा ए दाना पानी कम गया है, ए भूखा हुआ देखिए रास बिनुल हमारा भूखा रहा है गरज रहा है। का रास बिनुल भूख लगी है? हाँ, कह रहा है भाभी जी ए पैसा लीजिए और दुकान से जाकर ए दाना पानी ला दीजिए। सुनिए देवर जी, देवरदानी सुनला आज बाता जी हमार अब हो गल मामा देवर जी आज दानी हमारा के भाभी जी भाभी जी, देवर जी मेरा टाइम हो गया फूल पहुंचाने के लिए, मैं फूल पहुंचा के आऊंगी तो मैं दाना पानी ला दूं। भाभी जी देखिए अभी तो कह रहे थे कि देवर जी आप हैं हमारा सहेली के आप देवर हैं, हाँ हमारे भी देवर हैं, लेकिन भाभी जी ये फूल तोड़ने के लिए ते जा रही हो, आओ ये रानी फुला के तुम्हें पहुँचाएगी ना। हाँ यही ना। हाँ तो भाभी जी पैसा लीजिए, आप मुझे दाना पानी ला दीजिए, मेरा बात मानिए और जब तक ला ए मैं फूल तोड़ के रखता हूँ ए तुम्हारा भी देर नहीं होगा, हमारा दाने पानी भी ला दीजिएगा और जब तक ला फूल मैंने तोड़ के रखूंगा आते में लेके जाके पहुँचा दीजिएगा। चलो ठीक है देवर जी, जब ऐसी बात आप बोल रहे हैं तो मैं दाना पानी ला देती हूँ और मेरा फूल तोड़ के जितना जल्दी रखिए मैं जल्दी से दाना पानी लाऊंगी, मैं दौड़ी हूँ चल जाऊंगी फूल पहुँचाने के लिए। ठीक है भाभी जी लीजिए लीजिए तोड़ के रखिएगा। राम बराबर सब बन जाए या पिघला बात बने बन जाए, मतलब के पिघला हुआ काम बन गया। अब देखिए मलिनिया रोज फूल लेकर जाती थी और दुलरिया माला गुथती थी और इधर देखिए आज रुदल चौनरिया माला गुथेगा मोती जवाहर भर देगा मालिन हरवर में आएगी। समय बात हो गई, देखिए कितना फायदा उठाया है रुदल देवा, समय का फायदा उठाया है। देखिए रानी भूला के चलते पूरे पैसा कमा देगा, नरवल कर दे कैसे घोड़ा कर देगा। देखिए भाई देवा आज देखो ए मां लक्ष्मी के और ए बाबा भोले की कृपा से और बाबा विश्वकर्मा के नाम लेकर ए फूल के मैं ऐसा गुथूंगा कि मालिन पहुंच जाएगी तो मालिन की अवश्य रानी फूला पूछेगी कि फूल गुथा तो कौन गुथा, अवश्य ए दुलरिया के बारे में बताएगी। लेकिन भादुर हे तो मैं दुलरिया के गुथाल अलग हो जाता है, मैं चौरंगा ए चौरासी मैंने गुथूंगा कि फूल देखकर वो रानी भी कहेगा खुश रहेगी। या बाबा विश्वकर्मा आ करियो सुमार
विश्वकर्मा आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज करियो सुमा राना बाजी बाबा झूठी सकरवा आज फूलावा यदि आवा तुहरा नाम जा पियो भूत दिया हूँ ये बाबा विश्वकर्मा के नाम लेकर माँ देवी दुर्गा के नाम लेके भादो ये चुरंगा मैंने भूत दिया हूँ। ठीक है चुपचाप समेट कर ताकि मालिन एक पता ना चले। ठीक है रख देता हूँ मालिन के टाइम हो गया है आने के इसको रख देता हूँ। हाँ ताकि पता ना चले कि हमको माला तोड़ खल दे दिया है उसको लगे खाली फूल तोड़ दे दिया है। हाँ हाँ ये राशन पानी ला दिए हैं। हाँ राशन पानी ला घोड़ा के मुझे दाना भी ला दिए। हाँ सारा चीज है। ठीक है फूल तोड़ दिए हैं। हाँ देखिए मैं तोड़ दिया हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ और आप यहाँ पे विश्राम कीजिए दाना पानी खिला दीजिए मैं आती हूँ घर। ठीक है जाइए। हाँ